हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने चार्जिंग के जो सर्किट्स थे वो सॉल्व किए थे। एक चार्जिंग का सर्किट मैं और सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इस बार जो मैं चार्जिंग का सर्किट आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसमें मैं दो कैपेसिटर लूँगा, जिनमें से एक कैपेसिटर मेरा कुछ चार्ज रखता है और दूसरा कैपेसिटर मेरा कम्प्लीटली अनचार्ज है। और स्विच क्लोज करने के बाद उस सर्किट में दोनों कैपेसिटर पे चार्ज की ग्रोथ होगी, तो हमें ये पता करना है कि चार्ज समय के साथ किस तरह से बढ़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन ऐसे है बेटा, देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये मान लीजिए एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर और है, और इस तरह से, और ये बैटरी है और बैटरी का स्विच ओपन है, क्लोज नहीं है। तो हम स्विच को क्लोज करेंगे टी इक्वल जीरो पे, मतलब जब तक ये ओपन सर्किट है तब तक इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब इस सर्किट को मैं क्लोज करूंगा तो इसमें चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इस वाली प्लेट पर चार्ज है जीरो, इस वाली प्लेट पर चार्ज है जीरो, ये कैपेसिटेंस है सी। इस वाली प्लेट पर जो चार्ज है वो है सी ई वाई फोर, और इस वाली प्लेट पर चार्ज है माइनस ई वाई फोर, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है सी, और ये रेजिस्टेंस है हमारा आर, और बैटरी का ईएमएफ है ई, और आइडियल हमारा बैटरी है। अगर कुछ नहीं बोला तो आप आइडियल बैटरी कंसीडर करते हैं। और आपसे बोला गया है कि टी इक्वल टू जीरो पे स्विच हमने क्लोज किया। तो t इक्वल टू जीरो पे जब हमने स्विच को क्लोज किया तो आपको ये बताना है कि इन दोनों कैपेसिटर्स पर समय के साथ जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको कैलकुलेट करना है, और t इक्वल टू जीरो तब कंसीडर करना है जब आपने स्विच को क्लोज किया। ये एक चीज कैलकुलेट करने से पहले एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, पहले वो मुझे बता दीजिए। बहुत आसान चीज है, कहानी है कि जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया t इक्वल टू जीरो पे, मैंने स्विच को क्लोज किया तो t इक्वल टू जीरो प्लस पे, मतलब t इक्वल टू जीरो से चींटी सा टाइम आगे, t इक्वल टू जीरो प्लस पे, इसको ऐसे बोलते हैं जस्ट आफ्टर क्लोज द स्विच। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जस्ट आफ्टर क्लोज द स्विच इस सर्किट में करंट क्या होगा, और ये जो हमारा बैटरी है इस बैटरी का रेट ऑफ वर्कडन क्या होगा। तो पहले ये दो क्वेश्चन बहुत आसान हैं जिनको आप कर सकते हैं, तो पहले आप ये दो क्वेश्चन ट्राई करिए। तो क्वेश्चन क्या है, करंट इन द सर्किट, मैं यहां लिख देता हूं बोले आप चाहें तो। पहला क्वेश्चन है करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्क्यूट जस्ट आफ्टर क्लोज द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोज द स्विच, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन जिसको हम पावर भी कहते हैं, रेट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं बेटा, पावर। तो रेट ऑफ वर्क डन ऑफ बैटरी जस्ट आफ्टर क्लोज द स्विच, इन दो चीजों का आपको पहले जवाब देना है, और उसके बाद जो वो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है वो मैं ही आपके लिए कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो पहले आप इस बात का जवाब दीजिए, ठीक, सॉल्व करो। अब देखो मैं बताता हूं। अच्छा, पहले ये मैं आपको समझाता हूं कि स्विच क्लोज करने के बाद इस सर्किट में चार्ज फ्लो होगा ही क्यों। ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज फ्लो करे ही नहीं, उस पर जीरो है जीरो रह जाए, इस पर सी वाई फोर है सी वाई रह जाए, कोई चार्ज फ्लो करना स्टार्ट ही ना हो, मतलब इस सर्किट में कोई करंट आए ही नहीं। तो पहले तो इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि इस सर्किट में करंट क्यों फ्लो होगा। तो जब आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि सर्किट में करंट क्यों फ्लो होगा, तो ये मन मान लेगा कि ठीक है भाई, करंट फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्जेस चेंज होंगे क्योंकि चार्ज फ्लो होगा। तो पहले मैं आपको यह बात समझाता हूं कि चार्ज फ्लो होगा क्यों। देखिएगा ध्यान से, मैं उस बात को समझा रहा हूं पहले कि चार्ज फ्लो होगा क्यों। ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल जीरो है, ऐसा हम मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल जीरो मान लीजिए। मैं इस बात का आंसर दे रहा हूं कि चार्ज क्यों फ्लो होगा,
और अगर इसका पोटेंशियल जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो ही रहेगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, और इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है QYC। QYC पोटेंशियल नहीं होता, QYC पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपके जेब में पैसे, मेरे जेब में पैसे, वो एक अलग चीज है, लेकिन पैसे का डिफरेंस एक अलग चीज है। तो यहां पे डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, QYC इज नॉट द पोटेंशियल। हाँ, बोला इस तरह से जाता है, कैपेसिटर का पोटेंशियल वो एक टर्मिनोलॉजी उस तरह से है, लेकिन उसका एग्जैक्ट क्या मतलब है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो QYC इज द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट एग्जैक्ट पोटेंशियल। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ दिस पोटेंशियल इज जीरो, देन दिस पोटेंशियल विल बी हायर कंपेयर टू दिस पोटेंशियल, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। तो यहां से यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस QYC वो आएगा E/4। इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल जीरो है तो इसके कंपैरिजन में इसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा, क्योंकि वो हाई है और ये लो है, और वो डिफरेंस किसके बराबर है, E/4 के बराबर है। तो यहां का पोटेंशियल जीरो प्लस E/4 कितना हो जाएगा, E/4। जब सर्किट ओपन है, इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और अगर रजिस्टर में करंट जीरो है, इसका मतलब रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब उन दोनों का पोटेंशियल बराबर है। तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, जीरो। तो इसका जो पोटेंशियल था वो E/4 था, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, E/4। ये मैं बात कर रहा हूं ओपन सर्किट के लिए। And this is E/4 and this is uncharged capacitor. There is no potential difference. The potential difference is zero. This is potential difference zero. मतलब यहाँ का potential भी उतना ही होगा जितना यहाँ का potential है, क्योंकि potential difference zero है, E/4। और जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो potential घटेगा, क्योंकि battery के terminal के across हमेशा always potential difference उसके EMF के बराबर होता है। तो यहाँ जाएंगे तो potential घटेगा, कितना घटेगा, E घटेगा, क्योंकि ये low potential है और ये आपका high potential है। तो यहाँ से यहाँ जाने में potential में कमी आएगी, कितना कमी आएगा, E, because ये low है और ये high है। तो E/4 में से E जब मैं subtract करूँगा तो आएगा -3 E/4। तो देखो, जब सेम टाइप के आदमी मिलते हैं तो बवाल नहीं होते, लेकिन जब अलग अलग आदमी मिलते हैं, अलग अलग टाइप के आदमी मिलते हैं, तो बवाल होना तय है। वही कहानी इस सर्किट के साथ है। इस वाले स्विच का या इस वाले पॉइंट का, ये वाला पॉइंट बोलिए, ये वाला पॉइंट बोलिए, या स्विच बोलिए, जो आपको बोलना है, इसका पोटेंशियल है -3 E/4 ड्यूरिंग ओपन सर्किट, और इसका पोटेंशियल है जीरो। और अगर आपने इनको मिलाया तो बवाल होना तय है। क्यों? क्योंकि एक का पोटेंशियल -3 E/4 है, एक का पोटेंशियल जीरो है, दोनों का पोटेंशियल बराबर है ही नहीं। ये बोलेगा पोटेंशियल जीरो का, तो वो बोलेगा पोटेंशियल -3 E/4 का, तो लड़ाई हो गई। और मैंने आपको हमेशा इस बात का जवाब दिया है कि कैपेसिटर के सर्किट में चार्ज क्यों फ्लो होगा। आप कैपेसिटर नहीं, करंट वाले सर्किट में मैंने आपको हमेशा जवाब दिया है कि सर्किट में करंट क्यों फ्लो होगा। पहले इस बात का मतलब पता होना चाहिए आपको कि क्यों फ्लो होगा। जब आपका ये मन मान लेगा कि क्यों फ्लो होगा, तो फिर आपका मन कैलकुलेशन भी कर पाएगा। लेकिन पहले उसको यह तो पता चले कि चार्ज फ्लो होगा, तो आपका मन, आपको यह बात समझ आ गई कि भाई देखो, इन दोनों का मिलन हो तो जाएगा, लेकिन बवाल होना तय है। मतलब सर्किट में चेंजेज आना तय है, सर्किट वैसा का वैसा नहीं रह सकता जैसा अभी है। तो स्विच क्लोज करने के बाद सर्किट में आएंगे चेंजेस, करंट फ्लो होगा। ठीक, तो मुझे ये सारी वैल्यूज अब इसमें से हटानी पड़ेंगी, क्योंकि ये वैल्यू मैंने सिर्फ इसलिए लिखी थी कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि सर्किट में चार्ज फ्लो क्यों होगा। अब मुझे वैल्यू हटानी है, क्योंकि मुझे इन दो क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक, तो देखिए, इनको मैं हटा देता हूं। ये बहुत जरूरी हो जाता है बेटा कि इस बात का हम जवाब ढूंढ पाए कि कोई भी चेंज आएगा तो क्यों आएगा, क्या कारण है चेंज आने का। ठीक है, ओके। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, स्विच को क्लोज कर दिया, इसको भी हटाओ, सब हटा दिया, अगेन दैट इनिशियल सर्किट। स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद इस सर्किट में करंट कितना होगा, या इस रजिस्टर में करंट कितना होगा, इस बैटरी का रेट ऑफ वर्कडन क्या होगा, इस रजिस्टर का पावर क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज क्या होगा, इन सब का मैं जवाब देता हूं जस्ट आफ्टर क्लोज द स्विच। तो जस्ट आफ्टर क्लोज द स्विच ऐसा करिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लीजिए आप, तो ये जीरो जीरो, यहां पर जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, ई, ये कितना हो जाएगा, ई, यहां कितना हो जाएगा, ई। ये अगर जीरो है और यहां पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, सीई, पोटेंशियल डिफरेंस E/4 के बराबर है, और अपर वाला हाई पोटेंशियल है लोअर के कंपैरिजन में, तो ये है E/4। अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस हम देखें
तो यहाँ का पोटेंशियल ई है और वहां का पोटेंशियल ई बाई फोर है। देखो एक चीज बता देता हूं, जब भी सर्किट में करंट पूछा जाए ना 99% क्वेश्चंस में आपको पहले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहिए, और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसमें रजिस्टेंस का डिवाइड लगेगा तो कैलकुलेट होगा उस रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट। दिस इज द ओम्स लॉ। तो ये E by 4, ये E है और ये E by 4 है, ये पोटेंशियल हाई है, ये पोटेंशियल लो है, हम जानते हैं रजिस्टर में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, तो इसलिए जो करंट इधर फ्लो होगा और जो करंट ऐसे आएगा वो ऐसे आएगा। तो दिस इज द करंट एट टी इक्वल टू जीरो इन द सर्किट, और इस करंट को मान लेते हैं हम लोग आई। ये करंट का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं बेटा, आई। और इस आई का वैल्यू हम लिख सकते हैं, इस आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ई माइनस ई बाई फोर अपॉन आर, तो आंसर आया 3E अपॉन 4R। दिस इज द करंट इन द सर्किट, कितना 3E/4R। ठीक, अब ये तो करंट हो गया, अब हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि करंट इन द सर्किट, चलो करंट आ गया, रेट ऑफ वर्कडन ऑफ बैटरी, तो बैटरी का EMF कितना है ई, तो बैटरी का पावर क्या होगा। तो मुझे बताओ बैटरी ने जो सोर्स काम किया है, लोड काम किया, तो मैं ऑलरेडी आपको बोला था कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट लेता है और लो टर्मिनल पे करंट एंट्री लेता है तो बैटरी एज ए सोर्स काम करती है। तो पावर ऑफ द बैटरी अगर हम लिखें वो आएगा EMF इंटू आई, और आई किसके बराबर है 3E/4R, तो आंसर आएगा 3/4 ऑफ E²/R। ठीक, अगर मैं रजिस्टर की पावर लिखूं तो पावर ऑफ द रजिस्टर, पावर ऑफ रजिस्टर हम लिखेंगे I²R, I का वैल्यू कितना है बेटा, काम आ गया I है 3E/4R, तो कितना आएगा ये I² इंटू आर, तो ये आएगा 9/16 E²/R। दिस इज द पावर ऑफ द रजिस्टर। अब हमें ये लिखना है कि जो हमारा ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस रेट से एनर्जी स्टोर होगी। तो आप ऐसा करिए, एक बात समझिए मेरी, कभी भी आपको यह लिखना हो ना कि कैपेसिटर में किस रेट से एनर्जी स्टोर होगी, या इवन किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की आपको पावर लिखनी हो ना, तो पावर का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। ठीक, आप जानते हैं इस कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो स्टोर, इसका एनर्जी स्टोरेज बढ़ेगा, तो यह कैपेसिटर एनर्जी दे नहीं रहा है, यह कैपेसिटर एनर्जी ले रहा है, और अगर कैपेसिटर एनर्जी ले रहा है तो कैपेसिटर की पावर को हम लिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये एनर्जी दे नहीं रहा, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जब वर्क पॉजिटिव होता है तो एनर्जी दी जाती है, और जब वर्क नेगेटिव होता है तो एनर्जी ली जाती है, तो कैपेसिटर की पावर आएगी नेगेटिव। ठीक, और कैपेसिटर की पावर नेगेटिव आएगी क्योंकि कैपेसिटर सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, सर्किट कैपेसिटर से एनर्जी ले रहा है, और उसका वैल्यू कितना आएगा। अगेन आप हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर आप याद रखिएगा वी इंटू आई, और साइन आप खुद से देख लीजिएगा, या फिर मैं तरीका बता देता हूं, अगर प्लस पे एंट्री होगी तो साइन होगा पर पावर का नेगेटिव, और प्लस पे एग्जिट होगा तो साइन होगा पॉजिटिव। यही रूल बैटरी के लिए एप्लीकेबल है, और यही रूल एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पे प्लस पे एंट्री हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो आप क्या रखिएगा प्लस पर एंट्री पावर नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल पर एंट्री पावर नेगेटिव, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल। तो इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है बेटा E/4, एंड व्हाट इज द करंट इन द सर्किट दैट इज 3E/4, तो ये आया बेटा E/4 इनटू 3E/4R, दिस इज द करंट, तो आंसर आया 3/16 E²/R, 3/16 E²/R। अब एक बात समझ लेना ध्यान से, ये है, अच्छा पावर को नेगेटिव मुझे लिखना चाहिए, पावर को मुझे नेगेटिव लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मुझे जो मेरा रजिस्टर है उस रजिस्टर की पावर को भी नेगेटिव लिखना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा हम जानते हैं कि रजिस्टर की पावर कभी पॉजिटिव होती ही नहीं है, रजिस्टर की पावर क्या होती है ऑलवेज नेगेटिव, तो वहां पे माइनस नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई माइनस लगाता है तो वो गलत बात नहीं है। रजिस्टर में क्यों नहीं लगाते, जब हमें पता है कि वहां हमारा खर्चा होना ही है, वहां हमेशा खर्चा होना ही है, तो वहां पे हम माइनस लगा के नहीं बोलते हैं, कैपेसिटर हमारा एनर्जी हमेशा लॉस करता है। लेकिन जो हमारा कैपेसिटर है वो एज ए सोर्स भी काम कर सकता है और एज ए लोड भी काम कर सकता है। इस सर्किट में कैपेसिटर एज ए लोड काम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी दे नहीं रहा, इसलिए मैंने उसकी पावर को नेगेटिव लिख दिया, क्योंकि रजिस्टर हमेशा नेगेटिव होता है तो उसमें नेगेटिव नहीं लगाते, मान लेते भाई वो हमेशा ही नेगेटिव है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे मान लो बेटा, अब देखो एक एनर्जी कंजर्वेशन सुनिए, अगर कोई चीज एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, अगर कोई सोर्स
एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर वो पर सेकंड 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो आपको दुनिया में कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी जरूर मिलेंगी जो पर सेकंड 10 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही होंगी टोटल मिला के सबका। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, जितना एनर्जी पर सेकंड निकलेगा उतना एनर्जी पर सेकंड कहीं ना कहीं कंज्यूम भी होगा बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब मान लो कोई बच्चा कैपेसिटर की पावर नहीं लिख पाता, मान लेते हैं किसी कारण बस मान लीजिए वो नहीं लिख पा रहा, लेकिन वो बैटरी की पावर लिखने में बहुत कंफर्टेबल है, वो रजिस्टर की पावर लिखने में बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन मान लेते हैं वो पावर कैपेसिटर की पावर लिखने में दिक्कत उस बच्चे को हो रही है, तो बच्चा पता है क्या कर सकता है? वो बच्चा ये बोल सकता है कि देखो बैटरी का पावर है पॉजिटिव, तो बैटरी एनर्जी दे रहा है, तो जिस रेट से बैटरी एनर्जी दे रहा है उसी रेट से इस एनर्जी का कंजम्पशन होना भी चाहिए, तो जिस रेट से हमारी बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसी रेट से इस बैटरी की एनर्जी का कंजम्पशन होना भी चाहिए। एनर्जी कंज्यूम करता है रजिस्टर, क्या करता है? बाहर फेंक देता है। किससे? सर्किट से लेके एनर्जी बाहर फेंकता है। कैपेसिटर क्या कर रहा है? सर्किट से लेके अपने पास स्टोर कर रहा है। ठीक है बेटा, तो आपको अगर ये लिखना है, आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो जिस रेट से ये एनर्जी देगा इक्वल टू जिस रेट से ये एनर्जी बाहर फेंकेगा प्लस जिस रेट से ये एनर्जी स्टोर करेगा। अगर कोई बच्चा इस लॉजिक को भी अप्लाई करता है तो भी बात गलत नहीं है। इसका पावर जीरो है। इसका पावर क्यों जीरो है? क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इस कैपेसिटर की टी इक्वल टू जीरो पे कोई भी पावर नहीं है। मैं आपको कैपेसिटर की पावर कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ठीक, कैपेसिटर की पावर का मैं मॉड निकालूंगा, कैपेसिटर की पावर पीसी फॉर पावर ऑफ कैपेसिटर। तो बैटरी किस रेट से एनर्जी दे रही है बेटा? यह है 3/4 ऑफ ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? जिस रेट से रेजिस्टेंस एनर्जी को फेंक रहा है, 9/16 ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस जिस रेट से कैपेसिटर एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर तो एनर्जी कंज्यूम अभी नहीं कर रहा, अभी बाद में ये करना स्टार्ट करेगा, लेकिन अभी ये एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसकी पावर क्या है? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो। इस इक्वेशन से सॉल्व कर लो, देखो 4 का मल्टीप्लाई नीचे करो, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे बनेगा 16, ऊपर बनेगा 12, इसको लाके सबट्रैक्ट करो, आंसर कितना आया? 3/16। तो देखो 3/16 ई स्क्वायर अपॉन आर। तो मान लेते हैं किसी कारणवश अगर कोई बच्चा कैपेसिटर का पावर लिखने में इनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के रास्ते से भी जा सकता है। ठीक, इसको लिख लें। ये तो हो गया इसका इनिशियल कंडीशन जो आपसे वो एग्जामिनर पूछ सकता है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि ईच कैपेसिटर पे समय के साथ क्या चार्ज होगा, हमें इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, देखिएगा। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो अभी जो मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा वो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और मैं कैलकुलेट कर देता हूं पहले, फिर हम उस लेंदी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। हमें ये कैलकुलेट और कर लेना चाहिए कि वेरी लॉन्ग टाइम लेटर जब ये कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो जाएंगे, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तब ईच कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। मैंने आपको एक चार्जिंग की इक्वेशन बताई थी, आपके दिमाग में आ रही होगी, तो मुझे भी मेरे दिमाग में आ रही है, ऐसा नहीं है तो आप बोलेंगे सर आप एक इक्वेशन बताए थे चार्जिंग की, बहुत सस्ती थी, बढ़िया काम हो गया था उससे, वो वाला लगा सकते क्या? क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते, लेकिन किसके लिए मैंने बोला था? मैंने उसके लिए बोला था जो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, तो वो सिर्फ इसके लिए लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अनचार्ज नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक लेंथी मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको उस वाले मेथड शॉर्टकट वाले मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं ये चेक कर देता हूं कि एट इंफिनिटी व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन दे आर कंप्लीटली चार्ज्ड। तो सर्किट में करंट उस समय पे क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुके हैं और पूरी ब्रांच में कैपेसिटर ही लगे हुए हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी ब्रांच होती जिसमें कैपेसिटर नहीं होते तो फिर उस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा होता, लेकिन हमारा जो यहाँ पे क्लोज लूप बना हुआ है वो एक ही लूप है और उसमें भी लगे हैं कैपेसिटर, तो वेरी लॉन्ग टाइम लेटर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, बैटरी कोई करंट फ्लो करना मतलब बैटरी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अब हमें लिखना है कि क्या होगा। तो देखिए, मैं मान लेता हूं इस सर्किट में टोटल कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो किया,
मैंने माना इस सर्किट में टोटल कितना चार्ज फ्लो किया, इस डायरेक्शन में टोटल कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो किया, ऐसा मैंने माना। ठीक, तो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं तो ये सब चीजें मुझे हटानी पड़ेंगी, और ये आपको भी हर क्वेश्चन के लिए नया डायग्राम बनाना चाहिए। जैसे हम मैकेनिक्स में एफईडी बनाया करते थे, उसी तरह से यहाँ पे हमें सर्किट के बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो आपको कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए इन डायग्राम को ड्रॉ करने में। ऑल फाइन, ओके। अब क्या क्या कहां पे चार्जेज आएंगे मैं आपको एक बार लिख देता हूं। तो अगर आप ऐसे समझिए, इस बैटरी ने क्यू चार्ज को फ्लो कराया, आप ऐसे समझो बैटरी ने क्यू चार्ज को फ्लो कराया, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, और इस वाली प्लेट पे चार्ज आ गया माइनस क्यू। इस वाली प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू, इस प्लेट माइनस क्यू, तो ये चार्ज यहां से गया होगा, यहां आया, फिर यहां से चार्ज निकल गया, यहां पहुंचा, तो ये इतना हो गया, और यहां से चार्ज निकल गया, ये इतना हो गया। उस पर हो गया सी वाई फोर प्लस क्यू, इस पर हो गया माइनस सी वाई फोर प्लस क्यू, मतलब माइनस कॉमन लेके, और ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। और मैंने बोला कि ये वेरी लॉन्ग टाइम लेटर का सिचुएशन है, मतलब ये स्टेडी स्टेट का सिचुएशन है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेडी स्टेट, दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टेडी स्टेट, मतलब ये स्टेडी स्टेट का सिचुएशन है, किसी समय टी का सिचुएशन नहीं। अब अगर मुझे कैपिटल क्यू कैलकुलेट करना है, और ये कैपिटल क्यू इस कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज है, जो मुझे अल्टरनेट मेथड, जो स्मॉल मेथड है, उसमें जरूरत भी पड़ेगी इस कैपिटल क्यू की, तो इसे निकाल लेना ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहां से हम केबीएल लगाते हैं, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अलॉन्ग ए क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। जब हम यहां से यहां तक जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर, कितना है ई, तो यहां से देखते हैं पोटेंशियल बढ़ेगा ई। यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा, यहां से यहां तक जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, तो मैं यहां से लिखना चालू कर रहा हूं प्लस ई, प्लस घटेगा माइनस क्यू बाई सी। रजिस्टर में कोई करंट ही नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा यहां से यहां तक, यहां पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, तो घटेगा इसलिए माइनस, कितना सी बाई फोर प्लस क्यू अपॉन सी, एंड दैट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आया ई माइनस क्यू बाई सी, और यहां पे आप डिवाइड लगा लीजिए इसका, तो ये आया माइनस ऑफ ई बाई फोर एंड माइनस ऑफ क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसको सॉल्व किया जाए फर्दर, ये आया आपके पास थ्री ई बाई फोर दैट इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ क्यू बाई सी। तो यहां से अगर क्यू का वैल्यू हम निकालें तो वो आया थ्री अपॉन एट ऑफ सी ई, दिस इज क्यू, मतलब इस कैपेसिटर में, इस सर्किट में, इस बैटरी ने टोटल इन स्टार्टिंग से लेकर जब से स्विच क्लोज किया तब से लेकर वेरी लॉन्ग टाइम लेटर तक कितना चार्ज इस बैटरी ने फ्लो कराया, तो उसका आंसर है 3 बाई 8 ऑफ सीई। व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, दैट इज 3 बाई 8 ऑफ सीई। इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अच्छा, कोई पूछे इसका चार्ज कितना होगा, तो इसमें सी बाई 4 में 3 बाई 8 ऐड कर दो, वो इसका मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लिखो। अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं जो हमारा इस चार्ज को, लेकिन कहीं लिख के रख लीजिए, तो मैं कहीं इस साइड में लिख देता हूं इस चार्ज को। कैपिटल क्यू का जो वैल्यू आया था वो आया था 3 बाई 8 ऑफ सीई, और याद रहे कैपिटल क्यू कौन था, दिस वाज द टोटल चार्ज जो इस सर्किट में फ्लो किया। करंट अपने को याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है 3 बाई 4। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के दिखाता हूं। ठीक है, तो मुझे ये सर्किट दोबारा बना लेना चाहिए, बहुत गंदगी हो गई इसमें। देखो बच्चों, एकदम शांति से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सुनो, देखो, कहानी यह है कि दिस इज माय कैपेसिटर एंड दिस इज माय रजिस्टर एंड दिस इज माय अनदर कैपेसिटर एंड दिस इज द बैटरी। इसका ईएमएफ बैटरी का ई के बराबर है। ये कैपेसिटेंस सी है, सी है, दिए भी कैपेसिटेंस सी है, इस पर पहले से कुछ चार्ज है। मैंने माना ये बैटरी चार्ज फ्लो कराते गई कराते गई, मान लीजिए जीरो से फ्लो कराना इसने स्टार्ट किया, और किसी समय टी का मैं डायग्राम बना रहा हूं एट टाइम टी, तो मैं सर्किट को जो ड्रॉ कर रहा हूं वो किसी टाइम टी का सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब जो भी मैं डाटा इसमें पुट कर रहा हूं वो किस समय का डाटा है, एट टाइम टी।
तो मैंने माना कि बैटरी कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो करा चुकी है, तो इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और रेजिस्टेंस इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, तो रेजिस्टेंस से करंट आई फ्लो हो रहा है, इस पे चार्ज पहले सी वाई फोर था, अभी कितना चार्ज हो गया सी वाई फोर प्लस क्यू, इस पे कितना हो गया माइनस ऑफ सी वाई फोर प्लस क्यू, एंड दिस इज द डायग्राम एट टाइम डी एंड करंट इज आई इन द सर्किट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना है केवीएल। आप याद रखिए हमेशा हम लोग केवीएल लिखते हैं, तो देखो बेटा केवीएल लिख के दिखाते हैं। तो जब हम केवीएल लिखेंगे, जब हम केवीएल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी सेंस में आप घूमना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहां से चालू कर रहा हूं, मान लो यहां तक गया, तो पहले बैटरी का पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब यहां से यहां तक जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा बैटरी के ईएमएफ के कारण, यहां से यहां तक जाऊंगा तो घटेगा, यहां से यहां तक जाऊंगा तो भी घटेगा, क्योंकि रजिस्टर में जब हम करंट के अलॉन्ग मूव करते हैं तो हमारे पोटेंशियल में डिक्रीज होता है, पोटेंशियल घटता है। करंट मान लिया सर्किट में कितना आए, और यहां से यहां तक जाऊंगा फिर से पोटेंशियल घटेगा माइनस ऑफ, यह आएगा पोटेंशियल घटेगा, तो यहां प्लस लिखना है हमें, यहां माइनस लगाना है क्योंकि घटेगा, और सी वाई फोर प्लस क्यू अपॉन सी एंड दैट इज जीरो। अब इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, अब ये आई को क्या लिखा जाए, तो मुझे बताइए इस करंट के कारण इस कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, किसके कारण, इस करंट के कारण, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होता है आपका करंट, तो डी क्यू अपॉन डी टी को क्या लिखा जाएगा बेटा, आई। तो जी आप सर्किट को जरा सॉल्व कीजिए, तो हम लिखेंगे देखिए क्या, ये आया ई वाई फोर माइनस क्यू वाई सी माइनस आई आर माइनस, ये ई वाई फोर थोड़ी है तो ई है, ओके, माइनस ई वाई फोर माइनस क्यू वाई सी इक्वल टू जीरो। इसको जरा सॉल्व कीजिए अच्छे से, तो ये आया थ्री ई वाई फोर माइनस टू क्यू अपॉन सी That equal to I into R, ठीक। I को हम क्या लिख सकते हैं, dQ upon dt, तो I को dQ upon dt लिख दिया जाए सीधा, तो R into dQ upon dt। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये क्या है, ये आया dt upon R, that equal to dQ upon 3 by 4 of E minus 2 by C into Q। मुझे करना इंटीग्रेट, इसलिए मैंने वो q को साइड में 2 वाई सी लिखा है, क्योंकि आपको याद है फैक्टर का हम क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं, याद होना चाहिए इतना। अब मुझे बताइए t इक्वल टू जीरो की बात थी तब इस q का वैल्यू क्या था, जीरो था, कोई चार्ज नहीं था इस कैपेसिटर पे, दैट q वाज जीरो। और किसी समय टाइम जब t हो जाएगा तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया q, इसको इंटीग्रेट करिए। तो जब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आएगा बेटा, देखिए कितना आएगा, इसको लिखते हैं, ये आया t अपॉन r, लेफ्ट में, राइट में क्या आएगा, राइट में आएगा आपके पास 2 बाई सी का डिवाइड लगेगा किसके, मैं अच्छा पहले मैं लिखता हूं एल एन ऑफ 3 ई वाई फोर माइनस 2 क्यू वाई सी, और इसमें डिवाइड लगेगा किसका, डिवाइड लगेगा माइनस 2 वाई सी का, और यहां पे माइनस 2 वाई सी का आप डिवाइड लगा दें, और लिमिट पुट होगा कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, ठीक। अब मेरे पास जगह कम है तो मुझे ये सर्किट को हटाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है कहीं और, चलो मैं इधर करता हूं कोशिश लिखने की फिर भी। देखो अब ऐसा करिए, जो ये माइनस टू वाई सी है ना, इसको इधर ले आइए, तो जब माइनस टू वाई सी इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टू टी अपॉन आर सी, तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, इसी वाली चीज को आगे, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2t अपॉन आर सी इक्वल टू, ये इधर जाएगा, इसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसमें जब, अरे q है ना यहां पे, ओके, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू पुट होगी, तो देखो ये आएगा ln of 3e by 4 माइनस 2q अपॉन c डिवाइडेड बाई 3e by 4, ये मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब ये फर्दर मुझे, अब फर्दर लिखने के लिए चलो इसको हटा लेते हैं, इससे अच्छा, ठीक है, मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, देखिएगा अब देखो, इनको लिखना सीखो बेटा,
चीचे चीज से अगर आप दूर भागेंगे तो वो चीज आप कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, एक दो बार गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आप सीख जरूर जाएंगे। और जो मैं लिख रहा हूं ना, ये बहुत टफ चीजें नहीं है। जब आप कॉलेज में जाएंगे और अगर आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ा, तब आप देखेंगे कि किससे कितने गंदे सर्किट्स हमको सॉल्व करने पड़ते हैं। ये तो बहुत मतलब जैसे आज मैं आपसे बोलूं कि 5 × 3 कैलकुलेट करिए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये वही छोटी चीज है। ये अगर नहीं आएगी तो कॉलेज में आपको बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये सबसे सिंपल सर्किट है, इस सर्किट को कुछ समझते ही नहीं, ठीक है ना। तो हिम्मत करके लिखना है, डरना नहीं है। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस, मैं लिख के दिखा रहा हूं क्या आएगा, 1 माइनस ये आएगा 4, ऊपर जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 8Q/3CE, 8Q/3CE दैट इक्वल टू e की पावर माइनस 2T/RC। और यहां से अगर इसको इधर उधर अरेंज करके पूरा सॉल्व किया जाए तो q का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3CE, वो आएगा 3/8 CE इंटू 1 - e^(-2t/RC। दिस इज माई क्यू। और अगर मैं क्यू जानता हूं तो मैं इसका कैपेसिटर का भी चार्ज जानता हूं। इसका कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, C/4+Q। अब मैं आपको यह चेक कर देता हूं कि जो हमने इन्फिनिटी का चार्ज निकाल के रखा है, क्या वो हमने गलत निकाला या सही निकाला। आप इसमें टी को इन्फिनिटी पुट करिए, क्यू का वैल्यू आएगा 3/8 CE, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया वो सही से कैलकुलेट किया, ठीक। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो गया RC/2, ठीक। तो अब आप इस, मान लीजिए आप इसी क्वेश्चन को बहुत इस तरीके से नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस तरीके को शॉर्टकट वाले मेथड से लिखना चाहते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि आप इस क्यू को लिख सकते हो, बिकॉज दिस वॉज इनिशियली अनचार्ज्ड। तो देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूं। मैंने क्या बोला था, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स हमने वहां निकाला था 1 - e^(-t/tau। और आपको मैंने टाउ लिखने के लिए कैसे सिखाया था, टाउ लिखना मैंने आपको क्या सिखाया था, याद करिए आप। मैंने बोला था कि अगर हम क्यू मैक्स में टाउ का डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आई मैक्स आएगा, और आई मैक्स की जो वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग में होती है, उसके बाद आई मैक्स नहीं होता। पहले टी इक्वल टू जीरो पे जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, टी इक्वल टू जीरो पे इस ब्रांच में जो करंट था वो था 3/4। तो यहां से देखिए मैं टाउ निकाल के आपके लिए दिखाता हूं, वो आएगा क्यू मैक्स अपॉन आई मैक्स। वट वॉज क्यू मैक्स, दैट इज 3/8 CE। तो यहां पे लिखता हूं मैं 3/8 CE। अब इसमें आई मैक्स का डिवाइड लगाना चाहिए, वट इज आई मैक्स, आई मैक्स इज 3/4। तो यहां नीचे डिवाइड लगाएंगे किसका, 3E का 3, और ऊपर लगाएंगे किसका, 4R का। सॉल्व करिए, सी से सी चला गया, 3 से 3 चला गया, तो कितना आया, ये आया आपके पास RC/2, ठीक। देखो 3 से 3 गए, देखो 3C से 3 चीज लग गया, 4 से 3 CE, एक सेकंड, आई का जो वैल्यू आया था वो था हमारा 3E/4R, हाँ। तो देखो 3 से 3 चला गया, 4 से 2R कट गया, तो टाउ कितना है, RC/2। और इसी क्वेश्चन में भी आप देखिए टाउ का वैल्यू कहां, ये था, टाउ का वैल्यू कितना है, RC/2। तो जो हमने वो शॉर्टकट वाला मेथड सीखा था वो उस वाले का चार्ज कैपेसिटर के लिए जो इनिशियली अनचार्ज है, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन आपको एक जनरल मेथड फिर भी आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। हाँ तो देखो बच्चों, तो होपफुली ये आपको समझा होगा कि किस तरह से आपको इस टाइप के सर्किट्स डील करने हैं। तो देखिए चार्जिंग वाले सर्किट मैंने अब आपसे बहुत डिस्कस कर लिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं डिस्चार्जिंग वाले सर्किट की तरफ। देखिए इन सर्किट्स को मैंने इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि जेई एडवांस में काफी पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप इन सर्किट से डील करेंगे, और आपके मन में डर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब तरह से सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो मन में उस डर को नहीं रखिए, अब आप सॉल्व करिए एक बार, इन्हीं सर्किट को एक बार खुद से सॉल्व करिए, और कहीं फंसे तो क्लास नोट्स में जाके चेक करिए, ठीक है। देखो अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं डिस्चार्जिंग की तरफ, तो हेडिंग डालें डिस्चार्जिंग सर्किट, ये था आपका चार्जिंग सर्किट। तो देखो चार्जिंग सर्किट हम लोग देख चुके हैं, और चार्जिंग सर्किट के लिए बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं।
अब हम चलते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट की तरफ। तो डिस्चार्जिंग सर्किट क्या होता है उसके लिए मैं बताता हूं। तो पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, और जब हमारा कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर के लिए जो सोर्स था उसको फिर हम रिमूव करते देते हैं, और कैपेसिटर को फिर हम एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, और मान लीजिए ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर का स्विच है, और नीचे एक रेजिस्टेंस है। मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 था, ये रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है, और बैटरी का EMF E है। ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, और ये स्विच है S, स्विच का नाम S लिख देते हैं। तो जो बेटा हमारा स्विच है जिसका नाम हमने S लिखा, ये स्विच पहले पोजीशन 1 पे कनेक्टेड था फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। तो सवाल भी इस तरह से लिखा रहता है, स्विच एस वॉज कनेक्टेड एट पोजीशन 1 फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, नाउ स्विच शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अब आप ये देखो, जब ये पोजीशन 1 पे कनेक्टेड था तो इस बैटरी ने इसको चार्ज किया कैपेसिटर को, और बहुत लंबे समय से अगर ये कैपेसिटर कनेक्टेड था तो ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा। तो बैटरी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहती है, ई, तो बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस डेवलप करना चाहती है उतना डेवलप हो गया होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ई। अब मैंने क्या किया, स्विच एस को कनेक्ट किया पोजिशन 2 पे। तो जब मैंने स्विच एस को पोजिशन 2 पे कनेक्ट किया तो इस सर्किट में चार्जिंग वाला काम नहीं होगा, अब इसमें काम होगा डिस्चार्जिंग वाला। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इस बैटरी से चार्ज कर लिया, अब मैंने यहां पे लगा दिया। अब मुझे बताओ, रेजिस्टेंस तो मेरा कभी एनर्जी देता नहीं है, रेजिस्टेंस ऑलवेज एनर्जी कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस ऑलवेज एनर्जी सर्किट से लेकर बाहर फेंकता है, मतलब सर्किट बर्बादी करता है, सॉरी रेजिस्टेंस बर्बादी करता है किसका, एनर्जी का। तो रेजिस्टेंस को बर्बादी करने के लिए एनर्जी देगा कौन, दिस कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर एनर्जी देगा, रेजिस्टर उसको बर्बाद करेगा, मतलब कैपेसिटर का चार्ज कम होता जाएगा, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कम होती जाएगी, और उस एनर्जी को कौन फेंक रहा है, रेजिस्टर फेंक रहा है, कहां, बाहर, जिसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है। कैपेसिटर का जो एक इंडस्ट्रियल नेम है वो कंडेंसर भी है। तो क्वेश्चन में कहीं अगर कंडेंसर लिखा हो तो टेंशन नहीं लें, कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों का एक ही मतलब है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर हमने जब चार्ज किया, तो मान लेते हैं इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आ गया वो था प्लस क्यू नॉट, और इस पे आ गया माइनस क्यू नॉट, और अब मैंने स्विच एस को पोजीशन 2 पर कनेक्ट कर दिया। और जब मैंने स्विच को पोजीशन 2 पर कनेक्ट किया उस समय को हमें टी इक्वल टू 0 मानना है। टी इक्वल टू 0 किसको मानना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, उस समय को मानना है जब स्विच एस को पोजीशन 2 पर कनेक्ट किया, उस समय को टी इक्वल टू 0 मानना है। अब हमें सर्किट सॉल्व करना है, तो क्या होगा, एनर्जी की बर्बादी होगी। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सर्किट को, हेडिंग डाल लेना डिस्चार्जिंग सर्किट। कैसे सॉल्व करेंगे अब मैं लिख के दिखाता हूं आपको। तो मैं ऊपर वाला सर्किट ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर वाली बैटरी से मुझे कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ नीचे वाला सर्किट ड्रॉ करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये प्लस प्लस, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मतलब ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, करंट ऐसे फ्लो होगा, मैंने माना करंट का वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, और मैंने माना कि चार्ज इस कैपेसिटर पे घटते घटते किसी समय इस कैपेसिटर पे जो चार्ज हो गया वो बचा है यहां पे प्लस क्यू, और यहां बचा है माइनस क्यू, एंड दैट चार्ज क्यू इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, क्यू इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर q समय के साथ घट रहा है तो dq अपॉन dt कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसके आगे एक माइनस आर लगा लेना क्योंकि हमें करंट की एक पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, दैट इज आई, बिकॉज क्यू इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई यू हैव टू अप्लाई अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी है, अब ये एक पॉजिटिव टर्म है, और ये कौन है, इस सर्किट का करंट आई, लेट्स से 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, जो भी है। और अब मुझे ये लिखना है कि बताइए टी टाइम पे कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज होगा कितना। तो यहां पे अब अगेन हमें क्या करना है, हमें केवीएल ही लगाना है ऑलवेज। तो हम ऐसा करते हैं, यहां से लिखना चालू करते हैं, और मैं इस सेंस में केवीएल लगाता हूं, कोई भी डिस्टेंस आप लेके केवीएल लगा सकते हैं। यहां से यहां तक जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, यहां से यहां तक जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, एंड दैट इज जीरो। आई का जो वैल्यू है वो लिखा जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, तो क्यू बाई सी माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर इक्वल टू जीरो। इधर उधर ले जाके इसको सॉल्व करिए तो क्या आया, ये आया आपका
डी टी अपॉन आर सी दैट इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एंड नाउ इंटीग्रेटेड। ठीक है, एक बार इसको देखो, जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा, यहां से यहां तक जाएंगे पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, माइनस आई आर आएगा, आई को मैं जब मैं डी क्यू बाई डी टी माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा और यहां एक माइनस आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। टी इक्वल टू जीरो जब था तो चार्ज की वैल्यू क्या थी, क्यू नॉट थी, और जब किसी समय टी पर हम बात करेंगे चार्ज का वैल्यू क्या हो गया क्यू। इसको सॉल्व करिए बेटा, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, मैं यहां पर लिखता हूं, ये आएगा माइनस टी अपॉन आर सी दैट इक्वल टू एलेन ऑफ ln of q upon q naught। तो यहां से जो q का वैल्यू आएगा, स्मॉल q का जो वैल्यू आएगा वो आएगा q naught into e की पावर माइनस t upon rc। दिस इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर आप इसको देखेंगे दैट q इज डिक्रीजिंग, दैट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट, मतलब जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। और अगर इस सर्किट में आप करंट लिखना चाहेंगे, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको जो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q नॉट अपॉन आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दिस इज द करंट इन द सर्किट। और आप जानते हैं कि जो R इंटू सी होता है, मतलब जो T के नीचे आता है एक्सपोनेंशियल में, जो T के नीचे आता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। तो इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा, मैं कहां लिखूं, चलिए यहां लिख देता हूं, इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा टाउ, वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा R इंटू सी, और Q का जो वैल्यू है वो किसके बराबर लिख दिया जाएगा, Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाओ। और सिमिलरली I का जो वैल्यू लिख दिया जाएगा वो Q नॉट अपॉन आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाओ। तो यहां पे भी आप ये चेक करें, यहां पे भी एक एक लाइन में आपको बताता हूं, यहां पे आप ये चेक करें कि T इक्वल टू टाओ पे सर्किट पे चार्ज कितना है, चार्ज की बात करो या करंट की बात करो वो बात एक ही है। तो इसको लिख लो, मैं इसको हटाता हूं पहले, फिर मुझे लिखने को जगह मिलेगी, इसको आप लिख लें। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आप ये बताओ टी इक्वल टू टाउ पे, टी इक्वल टू टाउ पे सर्किट में चार्ज कितना होगा क्यू, क्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस वन। और आपको याद है ई की पावर माइनस वन का मैंने वैल्यू याद किया था, वैल्यू आपको बताया था, याद रखना 0.37 ऑफ क्यू नॉट। और सिमिलरली करंट का वैल्यू है, करंट का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका Q नॉट अपॉन आर सी इन टू ई की पावर माइनस वन, तो ये आएगा 0.37 ऑफ Q नॉट अपॉन आर सी। अब जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपको चार्जिंग के टाइम पर एक लाइन बोली थी कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो एक टाइम कॉन्स्टेंट के टाइम इंटरवल में चार्ज मैक्सिमम का 63% बढ़ जाता है। ठीक, और अगर वहां पे करंट की वैल्यू आप देखेंगे तो एक टाइम करंट वहां पे हमारा डिक्रीज किया था, तो करंट वहां पे एक टाइम कॉन्स्टेंट के इंटरवल में, एक टाइम कॉन्स्टेंट के इंटरवल में, मतलब एक टाइम इंटरवल लीजिए जो किसके बराबर है, टाइम कॉन्स्टेंट के बराबर है, उतने इंटरवल में जो हमारा करंट होता है वो मैक्सिमम का 63% घट जाता है। यहां पर देखिए हमारा स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, Q नॉट था, और अभी कितना चार्ज हो गया 0.37 ऑफ Q नॉट, तो क्या हुआ 63% मैक्सिमम का कम हो गया। T इक्वल टू जीरो पे आप करंट निकालेंगे, Q नॉट बाई सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q नॉट बाई सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें R का डिवाइड लगाएंगे तो Q नॉट अपॉन R सी इज द मैक्सिमम करंट, दैट इज द इनिशियल करंट। धीमे धीमे करंट भी डिक्रीज करेगा क्योंकि ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, और अंत में जाके करंट भी जीरो हो जाएगा, चार्ज भी जीरो हो जाएगा वेरी लॉन्ग टाइम लेटर, जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टार्टिंग में करंट कितना था क्यू नॉट अपॉन आर सी, अभी करंट कितना है 0.37 क्यू नॉट अपॉन आर सी, मतलब कितना कम हो गया, मैक्सिमम का 63% कम हो गया। तो ये जो सर्किट्स होते हैं जिनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है या फिर एक्सपोनेंशियल डीके होता है, इनके बारे में एक कॉमन लाइन है कि एक टाइम इंटरवल आप लीजिए जो एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा, उस टाइम इंटरवल में जो भी चीज बढ़ने वाली होगी वो मैक्सिमम का 63% बढ़ जाएगी, और जो भी चीज घटने वाली होगी वो मैक्सिमम का 63% घट जाएगी। और जो ये टाइम कांस्टेंट लेना है आपको, ये स्टार्टिंग वाला इंटरवल लेना है, ऐसा नहीं है बीच में कहीं भी टाइम इंटरवल ले लें एक टाइम कांस्टेंट के बराबर, नहीं, स्टार्टिंग टाइम इंटरवल इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट, इसमें जो भी चेंज आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम का 63%। और अगर आप इस चार्ज का और इस करंट का ग्राफ बनाना चाहें
तो मैं ग्राफ बना देता हूं यहां पे, देखिए बेटा क्यू का ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको समय के साथ। तो मैक्सिमम चार्ज था और एक्सपोनेंशियली डिके किया और इस तरह से वो वेरी लॉन्ग टाइम लेटर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। एंड दिस वाज चार्ज क्यू नॉट एट टी इक्वल टू जीरो। लेकिन जब टाइम टी इक्वल टू टाउ के बराबर है तो इस चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, घट के 60% घट गया, तो 37% बचेगा, इतना हो गया है। और वही हाल किसके लिए है, करंट के लिए है। तो अगर आप करंट का डायग्राम बनाएंगे, करंट वर्सेस टाइम, तो दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल डीके। और इन स्टार्टिंग में कितना चार्ज करंट था, क्यू नॉट अपॉन आर सी, और एक टाइम कॉन्स्टेंट के बाद जो करंट बचा सर्किट में एट टी इक्वल टू टाओ, जो करंट बचा वो बचा 60% घट गया, तो कितना बचा 37%, ठीक। तो ये आपका डीके है। अब देखिए इसको इस डिस्चार्जिंग से रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, तो अगली क्लास में एक मैं क्वेश्चन लूंगा, उसमें आपको मैं और इन चीजों को समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, समझिए और देखिए कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। कभी भी ये इंटीग्रेशन को देख के डरने का नहीं, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से डील करना है। तो आप प्रैक्टिस करें, लिखें, अपने हाथ से कैलकुलेट करें, फिर सब चीज़ आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।